पंजाब की जो फिल्म है कैरी ऑन जट्टा जो 1 आई थी वो सबसे बड़ी कामयाब फिल्म रही है, और 2 ने शायद उसका रिकॉर्ड तोड़ा है, और अब 3 जो है वो उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर, और सारी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट सोनम टू यू एंड टू गिप्पी एंड द इंटायर टीम। समी जी, गिपी भाजी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले तो थैंक यू सो मच भाजी का, बहुत बहुत थैंक यू आप सब आए, क्योंकि हमारी पहली पंजाबी फिल्म है जो इस लेवल पे रिलीज़ हो रही है। बाकी बातें मुझे लगता है बाद में करेंगे, पहले ट्रेलर देख लेते हैं। और हमने कोशिश की है कि सबटाइटल डाले हैं तो आपको पूरा समझ आए कि ट्रेलर है क्या। अगर नहीं भी समझ आया, क्योंकि मुझे किसी ने, हमारे पीआर वाले जो हैं यहाँ घूम रहे, इन्होंने मुझे बताया था कि बॉम्बे में ये भी पैटर्न चलता है कि जो पीछे वाली कुर्सियां हैं उनमें आप किराए के बंदे लाके बिठा लो, क्योंकि वो ताड़ियां मारते हैं। शायद पिछली 2-3 फिल्मों का, जो बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रीमियर हुआ, वहां पे कुछ ऐसा था, मुझे इन्होंने बताया शायद। अच्छा, हाँ, तो कहते ये हैं मुझे पहले कि बता दे, मैं भी कर लेता यार। तो कहते हैं ऐसा कुछ बड़ी है, जरूरत तो पड़ी मुझे लास्ट टाइम। मैं क्या, नहीं, मैं क्या, वो नहीं, हम लेके आएंगे, हम मीडिया वाले क्यों बोलेंगे। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी फिल्म है, आप ताड़ियां मारना प्लीज। थैंक यू। पर मैं चाहूंगा कि हाँ, ट्रेलर के लिए मैं चाहूंगा कि आमिर सर स्टेज पर आए हैं हाँ। तो कम से कम एक्शन तो आप ही बोले। हाँ जरूर, पहले ये हटाना पड़ेगा ना जी। भाई जी जी बिल्कुल, ये हटा दो फिर हम लोग ट्रेलर देखते हैं यार। आमिर सर प्लीज, आप जानी बाजी और बड़ी स्टार कास्ट को वहां पे लेके गए, कौन था जो सबको मैनेज कर गया सच में? पाजी एक्चुअली ये जो कैरी ऑन जट्टा फिल्म है जी, हमारे करियर जो है इसी फिल्म से शुरू हुए हैं। तो ये टीम, हम आज सभी पंजाबी के इतने बड़े, फिल्में बड़ी बनने लगी, सब आर्टिस्ट भी अच्छे हो गए पंजाबी के हिसाब से। तो इस फिल्म के लिए किसी को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि ये फिल्म हमारी एक जिम्मेवारी है, हमें अच्छी बनानी चाहिए, सबको एफर्ट करनी चाहिए। मतलब कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, मतलब आज भी आप, क्योंकि आर्टिस्ट के ना फेस से पता चल जाता है कि वो फिल्म को कितना अपना इनपुट देना चाहता है, कितना नहीं देना चाहता है। सो सारी टीम 3 दिन से बॉम्बे बैठी है, हमारा जोर लगा हुआ है कि बाजी को हमने रिक्वेस्ट की कि आप आओ, क्योंकि फिल्म पैन इंडिया लेके जाए। तो बहुत एफर्ट किया, किसी को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं, अपने अपने आप को आपको दी। मैंने कहा भी इतने सुपरस्टार इकट्ठे कर लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो ये तो वह भाइयों वाली बात होगी आप सबकी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कपिल यहाँ पे है। शर्मा जी, ये जिम्मेदारी आप 10 साल से निभा रहे हैं टीवी पे, तो अगर एक आधा सवाल आप ही कर ले तो मैं, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा हो जाए। मैं चेक ही करने आया, तू ठीक कर रहा है कि यार यहाँ भी तो मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा हुआ ये लेट आया, वरना मैं पहले चेक कर लेना इसने। कपिल, मतलब मैं एक ही चीज जानता हूँ इस फिल्म के बारे में कि कुगी बाजी फिल्म का एक वो स्तंभ रहते हैं जिस फिल्म में होते हैं, कि इनकी इनपुट्स बहुत रहती हैं। और जैसे कपिल हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट कॉमेडियन, और कुकी पाजी को मैं तो मतलब मानता हूँ कि पंजाब में इनसे बड़ा कॉमेडियन होस्ट और जहाँ भी ये जाते हैं वर्ल्ड में उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो पाजी अगर आप माइक संभाले थोड़ी देर। अच्छा, इसलिए तारीफ हो रही थी मेरी, वो खुद फ्री होना चाह रहा था।
मुझे लगा इतना अच्छा हूं नहीं मैं जितना बोल दिया इसने, तो ये माइक मेरे पे आ रहा था। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आपने हमें एहसास करा दिया कि हम वास्तव में हमारा जो रीजनल सिनेमा है पंजाबी का, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वरना मैंने देखा है कई बार यहाँ पे होते हैं हमारे रीजनल सिनेमा के इवेंट्स ऐसे, लेकिन 8 से 10 के बीच में जर्नलिस्ट आते हैं, तो आज मुझे लगता है 8 से 10 होंगे जो नहीं आ पाए किसी कारण। तो आज जो हमें आप अहमियत, जो मोहब्बत, जो खलूस आप दे रहे हैं, ये हमें हमेशा याद रहेगा। और सिनेमा कोई भी हो, सिनेमा की कोई एक भाषा, एक जबान नहीं होती, सिनेमा सिर्फ सिनेमा होता है। हिंदुस्तान में, देश में कोई भी सिनेमा आगे बढ़ता है तो पूरे देश का सिनेमा आगे बढ़ रहा है, ये बात हम हमेशा याद रखेंगे, तो सारा सिनेमा आगे बढ़ता रहेगा। और देखिए आज साउथ ने कितनी बड़ी एग्जाम्पल सेट कर दी है, आज साउथ ने भी बहुत मार्के का काम किया है और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने दिखा दिया है कि हम लोग हॉलीवुड से पीछे नहीं है। तो आज इससे पहले कि मैं अपनी स्टार कास्ट के साथ आपका तारुफ कराऊं, बाकी सबके साथ दो बातें करूं, मैं मेरा दिल सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं हम सबकी तरफ से, जितना दिल हम सब लोगों का इकट्ठा करके एक ही बनता है ना, उसकी आखिरी तय में जाके मैं आमिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर आपने आके हमें आज बड़ा कर दिया, मैं वास्तव में आई मीन इट सर, क्योंकि जब पंजाबी सिनेमा का नया दौर शुरू हुआ था 2003 में, मनमोहन सिंह जी ने पहली पिक्चर बनाई थी, मनमोहन जी जो सिनेमेटोग्राफर जिन्होंने बेताब से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक सारी सिनेमेटोग्राफी की है, मनजी ने, हाँ जी, तो मनजी ने पहली पिक्चर बनाई थी जिया अनु, हमने वो शुरू की थी, तो हमारी 12 या तो मैं उसमें पिक्चर में मेरा डेब्यू था, 12 या 14 स्क्रीन्स पे हम लोग लगे थे और हमें लगा था कि पंजाबी सिनेमा बन गया, पैदा हो गया। लेकिन आज मुझे लगता है कि हम 12 स्क्रीन्स के बाद, मुझे लगता है हम लोग कम से कम, नहीं तो आज सानी साहब करेक्ट करेंगे मुझे, हम लोग कोई 40 मुल्कों में लग रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो गई है हमारे लिए। और आमिर साहब आपका आना इस बात की तस्दीक है कि पंजाबी सिनेमा वास्तव में ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर है, ये हमारा एसेट है, हमारी कंट्री का, हमारे देश का। क्योंकि एक्टर जब तक एक्टर रहता है तब तक वो अपने परिवार के लिए सोचता है, लेकिन एक्टर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है तो पूरे देश के लिए सोचता है। जो कंटेंट आपने दिया है सदियों तक आपको याद रखा जाएगा आमिर साहब। एक्टर बन के पैसे बना लेने बहुत आसान होते हैं, आपके हिस्से में ये आया है, सिर्फ आपके हिस्से में, कि आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं, हालांकि आपके बगल में वो भी खड़े हैं कपिल जी, जो किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। पाव की दुकान भी खोलनी पड़ी, उसका नाम था छोटी बाइट्स। उस दौर से निकल के बंदे ने जैसे बाउंस बैक किया, ये सिर्फ मेकिंग का एग्जांपल नहीं है, बाउंस बैक करने का भी एग्जांपल है। स्मित साहब, वी आर प्राउड ऑफ यू। स्मित कांग हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर, तो इतनी सक्सेसफुल पिक्चरें इन्होंने दी हैं, तो मेरी ये टीम है, मुझे, मेरी ये फैमिली, मुझे इन पर बहुत फख्र होता है। तो आज आप सब ने हमारा जो साथ दिया, और फिर से मैं कहूँगा कि आमिर साहब के आने से हम और बड़े हो गए। तो ट्रेलर आपने देखा है, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर हमारे लिए दो अच्छी बातें आप कर देना। हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें और पंजाबी सिनेमा देश की पहचान बने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अब आप लोग ने ट्रेलर भी देखा है और आप लोग आए हैं, तो कोई सवाल हो, पूरी टीम है, किसी को भी करना हो। गिबी साहब, क्या रिएक्शन था जब जब हम बात आमिर साहब की करते हैं, आमिर साहब को कहीं बुलाना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल टास्क है, जब तक वो खुद मुतमइन नहीं होते किसी चीज से कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है तो ही मैं हिस्सा बनूंगा। जब आपने उन्हें अप्रोच किया कि आप चाहते हैं कि वो आए और ट्रेलर को लॉन्च करें, आमिर सर का क्या रिएक्शन था? और जैसे जैसे कई बार गुगीबाजी ने कहा कि धरोहर है, हम सब मानते हैं जितने भी लोग इस वक्त इस सिनेमा घर में बैठे हैं कि ये वाकई में हिंदुस्तान का एसेट है, धरोहर है। व्हाट वाज हिज रिएक्शन कि आप आइए और ट्रेलर लॉन्च करिए, क्या कहा? जैसे मैंने कहा कि जल्दी राजी नहीं होते हैं हर चीज के लिए। क्या ये फॉल्स चीजें पैदा रहा मेरे एक्चुअली मैं जेन्युइनली बताऊं कि जब मैंने बताया भी अपनी टीम को, पीयर वालों को, कि आमिर भाई आएंगे,
तो उन्होंने वापस जाके मेरे मैनेजर विनोद जी को कंफर्म किया कि आप कंफर्म कर लीजिए हम मीडिया को अपडेट नहीं करेंगे कि वो नहीं आएंगे। अब विनोद जी मुझे बोलते कि अभी सर आएंगे, मैं क्या हाँ कहता वो बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे, मैं क्या उनकी बात हुई है या मेरी बात हुई है, मतलब सीरियसली मैं बताऊं मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप किया एंड मैं उस टाइम छुट्टियों पे था मैक्सिको, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं कहते अभी इज दिस अ राइट टाइम टू कॉल, मैं कहा हाँ जी पाजी, तो तभी इनका कॉल आया कहते हाँ बता कब करना है, मैं कहा पाजी ऐसे ऐसे आप बताओ कौन सी डेट है, इन्होंने बोला कि तू बता कौन सी डेट है, जिस डेट को बोलेगा कर लेंगे। और जेन्युइनली मैंने अपनी टीम को बताया कि पाजी आएंगे, वी आर सो हैप्पी, और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि क्योंकि शायद क्योंकि जिस आमिर को मैं जानता हूँ शायद आप पता नहीं तो किसी और को जानते हैं, मतलब मेरे साथ तो जब से है मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और पंजाब आते हैं जब हमारे घर आते हैं वहाँ बैठते हैं क्योंकि मैं इनको मेरे लिए ये बड़े भाई हैं, मतलब हमने इनको बचपन से देखा है पिक्चरों में, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सीखी हैं वो मतलब मैंने फिल्मों में इनसे नहीं सीखा, इनको जब मिलता हूँ इनसे बात करता हूँ तो तब मुझे पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है कैसे रहना चाहिए, क्योंकि स्टार जैसे कुकी भाई जी ने बोला कि कोई भी आर्टिस्ट बन जाता है, इतना हम्बल मैंने अपनी जिंदगी में कोई बंदा नहीं देखा जितने भाई। और सर वैसे गिप्पी जी ने बताया था कि इनका रिएक्शन तो पता नहीं क्या था लेकिन इनकी फैमिली का रिएक्शन जरूर था आमिर भाई की, बोले ट्रेलर लॉन्च पे आप तो अपने पे नहीं जाते तो किसी के। आमिर सर वांटेड टू से समथिंग, बट आई हैव टू से दैट गिप्पी इज लाइक फैमिली, वो परिवार की तरह है, तो उसका एक मैसेज आया और मैंने बोला डेट बता दो यार मैं कब आना है मुझे बस। आपको खुद पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, इत्तेफाक की बात है, मतलब मैं किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो मैंने ना कैरी ऑन चट्टा वन देखी ना टू देखी, लेकिन अभी जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने फॉरन ट्रेलर जो फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ मैंने उसको पता है नाउ आई नो कि वन और टू क्यों इतनी हिट हुई, क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट मुझे मिला इस यू नो ढाई तीन मिनट के ट्रेलर में, इट वॉज सो एंटरटेनिंग दैट आई फेल्ट कि मुझे देखनी है फिल्म। तो आई थिंक ये फिल्म यकीनन बहुत कामयाब होगी और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म के साथ आप एक ऑल इंडिया अटेम्प्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में कि ये पंजाबी फिल्म जो है वो देश भर में लोग देखें, और मैं देश भर के सारे लोगों से कहूंगा कि प्लीज ये फिल्म जो है आप देखिए, बहुत ही एंटरटेन करेगी आपको, दिस इज अ सुपर हिट सीरीज एंड आई थिंक दैट इट इज टाइम फॉर पंजाबी सिनेमा टू गिव एन अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड ऑल कम फॉरवर्ड टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू पंजाबी सिनेमा। हेलो गिपी जी, आपसे मेरा सर एक बात, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था कि सर रियली इतने हम्बल हैं जैसे इन्होंने बताया गिप्पी जी ने, तीन से मुतासर होकर उन्होंने अपनी म्यूजिक कंपनी का नाम भी हम्बल म्यूजिक रखा है। गिप्पी सर जब कैरी ऑन जट्टा 2 आई तो उसने जहां तक मेरी जानकारी है जी दिल्ली पंजाब से ज्यादा दिल्ली में बिजनेस किया जी, क्या आपको लगता है कि सबटाइटल तो आप दे रहे हैं कि हिंदी में भी डब करना चाहिए, लोग तो जानते ही हैं आपको हर जगह? नहीं ऐसे है कि हाँ बट अभी कोई प्लान नहीं है, सो फिलहाल हम इसको पैन इंडिया विद सबटाइटल ही रिलीज कर रहे हैं, तो बाद में देखेंगे कि इसको डब करना है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी बाजी से बात कर रहा था, मैं क्या मैंने कैरी ऑन जट्टा 2 शायद नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखी, वो थोड़ी सी देखी मैंने, तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, मतलब वो हमने डब नहीं की थी, तो मतलब वहाँ पे जैसे यहाँ डब होती हैं फिल्में तो वो सारे पंचेस ही चेंज हो गए, तो मैंने नरेश जी को बोला हुआ है कि इसको प्रॉपरली आप हिंदी में सेट करो कि सारे आर्टिस्ट हम खुद ही इसी को इसको हिंदी में बाद में डब कर लेंगे फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ, अदरवाइज नहीं अभी सिनेमा में कोई वो, बट डेफिनेटली डबिंग से हेल्प होता है बिकॉज़ एज एन ऑडियंस, लेकिन अच्छी होनी चाहिए जैसे आपके मन की हो, जैसे राइटर के मन की हो, बिल्कुल डबिंग से रीच बढ़ जाती है, रीच बढ़ जाती है क्योंकि अदरवाइज तो नहीं, तो जो 2 आप अगर हिंदी में देखना चाहते हो वहां पे मत देखना, वो रीच घट जाएगी हमारी, वो ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना, हां डबिंग सही हो और सबटाइटल सही होना चाहिए। कपिल सर गुड टू सी यू, आप भी एकदम हमारे लिए सरप्राइज थे, मैं तो इल्म नहीं था, पहले तो लोग आमिर साहब के लिए नहीं मान रहे थे, फिर अचानक आप भी आ गए, क्या कहना चाहेंगे टीम के बारे में और क्या आपने ये बाकी की सीरीज फ्रेंचाइजी रही है, बाकी की दो फिल्में देखी हैं कैरी ऑन 1-2? मैं बहुत आज खुश हूँ कि आज यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद और सो गुड टू सी आमिर भाई कि आप पंजाबी सिनेमा। अरे मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कपिल के बारे में, मैं एक्चुअली इसको 2-3 दिन पहले फोन करके मैंने उसको बोला, 2 हफ्ते हो गए 3 हफ्ते हो गए एक्चुअली मैं आजकल काम वाम कम कर रहा हूँ, फैमिली के साथ ज्यादा हूँ, तो शाम को मैं कुछ ना कुछ कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है देखना, तो हर रात को मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ सोने से पहले, तो पिछले कई महीनों से मैं कपिल का शो देखता हूँ और मैं इतना बड़ा फैन हो गया हूँ इनका, तो मैं मतलब आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मैं मुस्कुरा रहा था जब हुआ है, आमिर भाई आपने
तो इतने मेरी इतनी शामों को इन्होंने रंगीन बनाया है, तो इतना हंसा हूं मैं, इतना एंटरटेन हुआ हूं। तो मैंने कुछ एक दो हफ्ते पहले मैंने फोन करके बोला कपिल जी से कि थैंक यू सो मच, आप इतना एंटरटेन करते हैं लोगों को, ये इतना बड़ा काम है लोगों का दिल बहलाना। सो आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर एंड आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस कपिल। थैंक यू आमिर भाई। और आपने मुझे कभी शो पे नहीं बुलाया, ये यार ये गलत बात। देखो इससे पहले कि वो पूछे मैं ही बोल देता भाई, आप आए कपिल से एक कदम आगे हूं मैं। हमारा सौभाग्य होगा जिस दिन आप आओगे। और मैंने बहुत बार जब भी आमिर भाई से कभी मुलाकात हुई, हमेशा भीड़ भाड़ में हुई, तो मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया आमिर भाई को, तो बोलते ठीक है मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, वापस आके बात करते हैं, कट टू सीधा 3 साल बाद मिलते हैं। सो आप आएंगे तो भाई नहीं, मैं 100% आऊंगा। लेकिन मैं एक और चीज बोलता हूँ, आप क्या मेरी रिलीज के टाइम पे आप मुझे बुलाते हैं? नहीं, उसके लिए मुझे रिलीज के लिए नहीं आना है, मुझे आप अलग से एंटरटेनमेंट के लिए बोले। और आप सब देख ही रहे हैं इनका ह्यूमर कितना मजेदार है, जब आमिर भाई आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। खैर आज मैं इस फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत मुबारक सारी टीम को, और क्योंकि ये टीम मेरे लिए बहुत खास है, मेरे परिवार की तरह है। और कुकी पाजी मेरे टीचर रहे हैं कॉलेज के टाइम से, जब हम लोग थिएटर करते थे तो मैंने इनसे सीखा है, पल्ला साहब इनको हम लोग सुनते रहे ऑडियो कैसेट और ये सब, और किपी पाजी भाई हैं, समीप पाजी, उनके उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। जैसे कुकी पाजी ने कहा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में यू नो बहुत सारी चीज़ें देखी, हर आर्टिस्ट की शायद हिस्ट्री में ऐसा होता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। और मैंने कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट जो थी रिलीज से पहले देखी थी, जब समीप पाजी ने किपी पाजी ने यहाँ पे प्रीमियर रखा था, तो मैंने फिल्म देख के बोला, मैंने कहा आपकी फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट है जी, पहली बार आपको याद होगा समीप पाजी। और ऑब्वियसली फिर दुनिया ने इतना प्यार दिया, और अभी ये इस फ्रेंचाइज का तीसरा पार्ट जो है आ रहा है, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और बस थैंक यू सो मच, आप इसको और लोगों तक पहुंचाएं और बताएं लोगों को, ताकि जैसे पाजी ने पहले कहा कि हम लोग पहले ना बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको शायद, जैसे कोई बोलता है कि अच्छा ये साउथ का सिनेमा आ रहा है या पंजाबी का सिनेमा, जब हमारी कोई रीजनल सिनेमा से जाके फॉर एग्जांपल जैसे आरआरआर अगर ऑस्कर में जाती है तब हम कहते हैं हमारी इंडियन मूवी है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में जो भी फिल्म बन रही है वो हिंदुस्तानी मूवी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी इतनी डाइवर्सिटी है, हमारी कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और जो भी क्रिएटिव आदमी होता है, कोई अच्छा राइटर, कोई अच्छा डायरेक्टर, कोई अच्छा एक्टर, वो कहीं किसी भी जगह पैदा हो सकता है। हमारे देश में तो ऊपर वाले का इतना हाथ है, सो इतना टैलेंट है, और मुझे लगता है कि अच्छा सिनेमा है वो जो हमेशा ही उसको प्रमोट होना चाहिए। और इसके लिए मैं एक बार फिर से आमिर भाई आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप इस फिल्म के लिए आगे आए, और बाकी बस बाकी आप लोगों के हाथ में है। आपसे ये सवाल है कि एक टाइम था आप बॉलीवुड के बड़े बड़े जाने माने स्टार जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब, उन्होंने पंजाबी फिल्म की थी, उस टाइम की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी आई थिंक सो नानक नाम जहाज है, और उसके बाद धर्मेंद्र साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी पंजाबी फिल्में की, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड के जाने माने नो ए लिस्टर्स बिग स्टार्स, हम उनको पंजाबी सिनेमा में ना तो देखते और हेडलाइन तो डेफिनेटली नहीं करते। What do you think so? क्या रीजन है, और वुड यू लाइक टू स्टार्ट दिस ट्रेंड अगेन? एक्चुअली जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए, और अगर वो एक दूसरे भाषा में है बट आई रियली लव इट, फिर मैं भाषा सीख के करूँगा मैं। आई थिंक वो टाइम पे जो स्टार्स थे वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज भी, जैसे यूसुफ साहब हैं वो पंजाबी बोलते थे, यू नो राज कपूर जी पंजाबी बोलते थे, तो उनके लिए थोड़ा नेचुरल था पंजाबी फिल्म करना। आई थिंक हम लोग के लिए शायद थोड़ा एफर्ट हो जाएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल पंजाबी इज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, बट आई वुड लव टू डू इट, अगर मुझे कभी मौका मिले आप कभी बताना। मुझे याद है पाजी ने पहले भी एक बार मुझे बोला कि अगर कुछ हुआ आपको एक अच्छी सी कॉमेडी लिखी है मेरे लिए, मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है। हाँ इनसे पूछिए अंदाज़ अपना अच्छी की मैंने। इन्होंने पहले भी बोला था कि अगर कोई रोल होगा मुझे बताना, कॉमेडी में बहुत इंटरेस्ट, बट हमने कोई चीज होगी ऐसी कि इनको लेके आना तो तब आएंगे। हाँ, जरूर जरूर मैं करना चाहूंगा। तो समीप पाजी जो मेरे लिए आपने बोला था वो फिर कैंसिल अभी। गिप्पी जी आपसे भी एक सवाल है जी, ये जो कैरी ऑन जो एक थीम है इसकी जी, यू नो एक जो मैड कैप कॉमेडी कहते हैं, एक एंसेंबल कास्ट है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, एक बहुत पहले 50s से एक ब्रिटिश फ्रेंचाइज थी कैरी ऑन फ्रेंचाइज जी, वहां से कुछ थोड़ा मेरे को बेसिक इंस्पिरेशन आया क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सच बोलूं तो जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो जिस फ्रेंचाइजी की आप बात कर रहे हो हमें
हमें तो पता ही नहीं था कुछ, हमने तो वो टाइम पे पैदा नहीं हुए थे, हमने वैसे भी वो चीजें देखी नहीं थी, इंग्लिश समझ नहीं आती थी, तो बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने समीप पाजी की एक फिल्म देखी थी, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी चक दे फटे, तो उसमें कुकी पाजी भी थे, पल्ला साहब भी थे, मां मेरे को छोड़ के बाकी के से, अब बिनू जी भी नहीं थे, बिनू जी नहीं थे। तो ये मेरे पास आए, कहते मैंने एक फिल्म बनाई है, मैंने आपको एक कहानी सुनानी है, आप सुनिए। तो मैं, मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगी, मैंने मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया। तो इन्होंने बोला कि कल मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है, तो प्लीज आप वो देख के आना। तो बाय चांस मैं फ्री था शाम को, तो मुझे लगा कि यार क्या करें कि कोई फिल्म देख के आते हैं, तो ये फिल्म लगी थी। तो मैंने उनको बताया भी कि मैं फिल्म देखने गया, मेरे हम चार लोग थे, तो जब हम सिनेमा में एंटर किए तो हम चार ही लोग थे बस, तो फ्राइडे का डे था वो, फर्स्ट डे, तो चार ही लोग बैठे। तो मेरे साथ वाले बोले कि यार पागल है कि ये क्या फिल्म देखेंगे, चलते हैं, मैं पूरा थिएटर में चार लोग हैं खाली। तो मैंने उनको बोला कि यार वो आया था बंदा कि चलो ऐसे करते हैं 15-20 मिनट की फिल्म देख लेते हैं, अगर अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं। कहते यार क्या अच्छी होगी, कोई आया नहीं। आप बिलीव करना, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि वो फिल्म कब खत्म हुई। हम चार लोग थे, हम कुर्सियों से गिर पड़े, इतना हंसे। तो मैंने इनको ढूंढा, बट वो फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ये गायब हो गए, ये मुझे पता ही नहीं कहां चले गए, ये थोड़े डिप्रेशन में चले गए, फोन बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मैंने पता नहीं कितना टाइम इनको ढूंढा। मुझे याद है कि मैं एक शूट करने के लिए थाईलैंड गया हुआ था, तो वहां पे जाके मुझे किसी ने इनसे कनेक्ट कराया, तब मैंने इनको बोला कि भाजी फिल्म करनी है, आप कहां पे हो, आओ। तब जाके कैरी ऑन जट्टा बनी, बनी भी बड़ी मुश्किल से। मैंने इनसे सिर्फ कहानी ली थी, कुकी पाजी ने कन्विंस किया कि इसी से डायरेक्ट कराओ, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो फाइनली आज देखो पार्ट 3 बन रहा है। हाय आमिर, दिस इज रवि जैन फ्रॉम एबीपी न्यूज़। हाय आमिर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रीजनल सिनेमा यानी पंजाबी सिनेमा को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। आप हमेशा से रीजनल सिनेमा की बात भी करते रहे हैं, लेकिन एक जो सस्पेंस है वो अभी तक बरकरार है। लाल सिंह चड्ढा के बाद आपने किसी फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं किया है, और बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या आप अनाउंस करना चाहेंगे अगली फिल्म कौन सी होगी आपकी? देखिए एक्चुअली आज तो हम लोग को सिर्फ कैरी ऑन जट्टा की बात करनी चाहिए, तो ये आप लोग क्यूरियस हो गए तो मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। इस वक्त मैंने कोई फिल्म डिसाइड नहीं की है, इस वक्त मैं फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाह रहा हूँ, और उसी में मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वही मुझे करना है अभी। जब मैं इमोशनली रेडी रहूँगा फिल्म के लिए तो मैं करूँगा ज़रूर, मतलब थोड़ा टाइम मैं फैमिली के साथ बिताऊँ। लुक कुछ नहीं है, नहीं वो अभी मैं शेव नहीं कर रहा हूँ, बाल भी काट नहीं रहा हूँ, मुझे कर देता हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा जी होगी भाई नहीं, उनको था कि पंजाबी फिल्म का ट्रेलर है, मुझे मुझे झाड़ के ऐसे करके रखते हैं पूरा, है ना, वो फिल्म लेके आते हैं। हाय अमित, दिस इज कोमल पांजाल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। हाय, आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग, इट्स रियली नाइस टू सी यू हियर फॉर दिस इवेंट, बिफोर दिस यू वर आल्सो देयर फॉर अ बुक लॉन्च अ कपल ऑफ मंथ्स अगो। You know, since we see you so much in social events now, we still miss you on social media. With the kind of, you used to share a lot on social media too. But now, with the way social media is changing, do you think you left social media at the right time and you are now spending more time in public, in so, like in such events? नहीं, इतना सब नहीं सोचा मैंने। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे जब था वो नाम का था, मैं आई टू हार्डली पोस्ट, तो यू नो आई वाज नेवर रियली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। इट्स नॉट, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग बाय द वे, बट इट्स जस्ट नॉट फॉर मी, सो या या। बट सिंस यू लेफ्ट सोशल मीडिया, थिंग्स हैव आल्सो चेंज्ड, द काइंड ऑफ हेट दैट वी रिसीव। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, मुझे आइडिया नहीं है, माँ कसम। अपन दो और क्वेश्चन लेते हैं, और अगर कोशिश कीजिए कि फिल्म के बारे में हम बात कर पाए। गुड इवनिंग, स्ट्रेट हाय, माय क्वेश्चन इज टू ऑल द पंजाबी आर्टिस्ट। अक्सर हमने बॉलीवुड फिल्मों में देखा है, पहले एज अ साउथ इंडियन, ये शिकायत कहीं ना कहीं मेरी में थी कि यू नो कई बार साउथ इंडियंस को टाइपकास्ट किया गया है बॉलीवुड फिल्मों में। अभी ऑफ लेट ये शिकायत पंजाबियों के बारे में भी है कि पंजाबी कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा, आई मीन गुगली पाजी ने भी बहुत सही बात कही थी कि यू नो अक्सर यू नो उनको एक जोकरों की तरह दिखाया जाता है। तो
आपको क्या लगता है कि कहीं आपकी फिल्मों के थ्रू क्या बदलाव लाया जा सकता है, एटलीस्ट अबाउट द कम्युनिटी? कोई भी आंसर कर सकता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे मैं फिर मेरे जबान पे वही नाम आ जाता है, जैसे जब आप थ्री इडियट जैसी पिक्चर देखते हैं, दंगल देखते हैं, तो इससे देश का अगर माइंड सेटअप बदला जा सकता है, माइंड सेट बदला जा सकता है, तो एक गलत बनी हुई